अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ IPL सुपर ओवर टूर्नामेंट का मैच नंबर 5, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दोस्तों ये काफ़ी रोमांचक मैच होने वाला है। आज हम एक नए स्टेडियम में खेलने वाले हैं जिसमें हम पहले कभी नहीं खेले। दोस्तों ये मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, आप भी लाजमी देखिएगा। तो चलिए मैच स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टीम लूँगा वो होगी चेन्नई सुपर किंग्स और ओपोनेंट पे टीम होगी दिल्ली कैपिटल्स। हम मीडियम डिफ़िकल्टी में हार्ड पिच पर ही खेलेंगे। बैटिंग और बॉलिंग में मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। बॉलिंग पे मैं लेके आऊँगा फास्ट बॉलर, लूँगी निगीडी को। और बैटिंग में मैं चेंजिंग करूँगा, बैटिंग में मैं लाऊँगा मिचेल सेंटनर को सुरेश रैना की जगह। काफ़ी दोस्तों ये वाला मैच होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और आला मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर टॉस होने वाला है, हम इस बार हेड्स की मान लेंगे। अगर हम टॉस जीते हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो दोस्तों हम टॉस जीत चुके हैं और हम पहले बॉलिंग करेंगे। यहाँ पर काफ़ी आला मैच होने वाला है। सामने होंगे लूँगी निगीडी जो कि काफ़ी आला फास्ट बॉलर है। यहाँ पर मैं फील्ड में थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा क्योंकि सुपर ओवर में फील्ड में चेंजिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सुपर ओवर में यही फील्ड चेंजिंग करता हूँ, तो आप भी यही फील्ड चेंजिंग कीजिए, सुपर ओवर के लिए बेस्ट फील्ड है। पहली बॉल यहाँ पर हम यॉर्कर बॉल डालेंगे और पहली बॉल परफेक्ट लाइन के बीच तो नहीं यहाँ पर है, और पहली बॉल के यहाँ पर हमें विकेट मिल जाएगा। नहीं गाइस, यहाँ पर पहली बॉल सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अब दूसरी बॉल सामने आए गब्बर जी, दूसरी बॉल गाइस ये बॉल ख़राब, ये जाएगी छक्के के लिए। जी गाइस यहाँ पर दूसरी बॉल पर छक्का पड़ चुका है, यानी ये दिल्ली का स्कोर हो चुका है 2 गेंदे 7 रन बिना किसी विकेट के। तीसरी बॉल ये हम थोड़ी वाइडिश सी बॉल देंगे, और दोस्तों ये बॉल भी मुझे काफ़ी ख़राब लग रही है। और जी गाइस ये बॉल भी ख़राब और इस पर भी छक्का जाएगा। काफ़ी ख़राब बॉलिंग हो रही है। चौथी बॉल इनको मैंने पैरों में यॉर्कर डाला और गाइस यहाँ पर एक और छक्का जाएगा। जी गाइस यहाँ पर गब्बर ने 3 बॉले 3 छक्के लगा चुके हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। चौथी बॉल ये मैं थोड़ी शॉर्ट बॉल दूंगा। दोस्तों पांचवी बॉल गाइस ये ख़राब बॉल, एक और छक्का। जी गाइस यहाँ पर 4 लगातार छक्के पड़ चुके हैं हमें, यानी अब दिल्ली का स्कोर हो चुका है 5 गेंदे 25 रन। आखिरी बॉल दोस्तों एक बॉल हमें परफेक्ट डालनी पड़ेगी, ये हम स्लो बॉल देंगे। क्या ये परफेक्ट लाइन के बीच होगी? गाइस मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी परफेक्ट लाइन पे है, पर यहाँ पर 5 छक्के पार चुके हैं शिखर धवन जी हमें, यानी अब हम ही चाहिए नामुमकिन से लगते हुए 32 रन। पहले मैं भेजूँगा फाफ डुप्लेसिस और शेन वाटसन को, और सामने होंगे क्या गीसो रबाड़ा जो कि काफ़ी आला फास्ट बॉलर हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ये रन चेस। पहली बॉल, और दोस्तों पहली बॉल क्या इस पर आउट हो चुके हैं? जी गाइस यहाँ पर पहली बॉल पर ही आउट हो चुके हैं फाफ डुप्लेसिस। गब्बर ने यह कैच पकड़ा। अब आएंगे मिचेल सेंटनर पर, स्ट्राइक पर होंगे शेन वाटसन। दूसरी बॉल, ये बॉल मैं हेलीकॉप्टर 6 के लिए ट्राई करूँगा MS धोनी की तरह। दूसरी बॉल गाइस परफेक्ट टाइम तो नहीं, पर फिर भी हम ये मैच हार चुके हैं क्योंकि अब हमें चाहिए 4 गेंदे 28 रन जो कि थोड़ा नामुमकिन लगता है। कप्तान ने फील्ड में बदलाव किया। तीसरी बॉल गाइस इस पे हमें छक्का चाहिए होगा। तीसरी बॉल यहाँ पर बहुत ऊंचा छक्का मारा है शेन वाटसन ने,
काश यहाँ पर कि गीसो रबाडा 3-4 वाइड बॉल्स दे दें। यहाँ पर चौथी बॉल बाउंसर दी है, यहाँ पर हम बैक साइड की तरफ फ्लिक करेंगे। चौथी बॉल काफ़ी आला शॉट पर यहाँ पर 4 रन मिलेंगे सिर्फ। दोस्तों अब तो ये मैच हम हार चुके हैं, अब हमें चाहिए 2 गेंदे 18 रन जो कि नामुमकिन है। पांचवी बॉल ये मैं लेग साइड की जानिब खेलूँगा और इस बॉल पर काफ़ी ऊंचा छक्का मारा है शेन वॉटसन ने। दोस्तों अब हमारे लिए बहुत नामुमकिन हो गया है, तो हम ये मैच हार चुके हैं, बेशक हम आखिरी बॉल पर छक्का मार दें। तो दोस्तों आखिरी बॉल पर तो चौका लग गया है, 24 रन हो गए हमारे पर, फिर भी हम ये सुपर ओवर हार चुके हैं। ये पूरे आईपीएल टूर्नामेंट से हम पहली दफ़ा सुपर ओवर हारे हैं, वो भी काफ़ी बुरे मार्जिन से। तो मैन ऑफ द मैच होंगे गब्बर जी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सुपर ओवर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो गाइस जाने से पहले ये मैच 5 के बाद का पॉइंट्स टेबल देख लीजिए जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर।